307 किलोमीटर। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी हूँ टर्मिनल वन पे। दो बुकिंग खत्म करके आया हूँ टर्मिनल वन पे। बताता हूँ गाड़ी में बैठ के कि कौन सी कंप्लीट की है ट्रिप। अभी क्या है ना, 9:18 हो रहे हैं। 7 बजे से पहले है ना भाई, मैं आज लॉग इन हो चुका था भाई। आज मॉर्निंग में है ना मैं निकला हूँ, क्योंकि कल जो है ना मैं निकला था काम पे इवनिंग में भाई, बुकिंग ही नहीं बजी थी नवी मुंबई से 9:30 बजे। 5 बजे में निकला, 9:30 बजे दो बुकिंग खारघर की, और खारघर से वापस जो है ना एक खारघर रेलवे स्टेशन की बुकिंग कंप्लीट करके जो है ना घर पे आ गया मैं। ऐसा भी नहीं कि ट्रिप रडार में आ रहा है, किसी और को मैच हो रही है, कुछ भी नहीं, पूरा खाली एकदम। उबर में तो दो बुकिंग की कंप्लीट, और ओला तो है ना बुकिंग ही नहीं बजी, मतलब कि इतनी हालत कल खराब थी। सो मैंने डिसाइड किया कि फिर चलो, अभी वैसे भी रेस्ट हो चुका है, घर पे जाके सोना ही है। सो मॉर्निंग में लॉग इन करता हूँ कल। सो आज मॉर्निंग में निकला हूँ, तो रात तक देखते हैं कितनी अर्निंग होती है, कितना सीएनजी लगता है, और कहाँ कहाँ पे जाता हूँ आज। अभी पहली ट्रिप मैंने कंप्लीट की वर्ली की, वर्ली से मैं आया टर्मिनल वन। सो ऐसे दो ट्रिप कंप्लीट की है। टोटल अर्निंग क्या है वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा ब्लॉग के, और लास्ट तक देखना गाइस, कुछ मिस मत करना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और गाइस अभी तक जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट जाके जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टोकन जो है ना वो आ चुका है 30 तक। ओला में दो बुकिंग बच के गई, जो की थी एक कालबा देवी की और एक थी अंधेरी वेस्ट की गई। तो वहां पे जाना नहीं था कालबा देवी, अभी जाके जो है ना कुछ भी मतलब नहीं है, वहां पे जाके रुकना पड़ता है। सो इसके लिए मैं वहां पे नहीं गया। 30 गाड़ी उबर में है और ऑलमोस्ट जो है ना 20 मिनट का टाइम बाकी है मेरे पास। सो देखते क्या की बुकिंग मिलती है। सारी कैटेगरी मैंने ऑन रखी है, गो तो है ही, इंटरसिटी भी ऑन रखी है और रेंटल भी चालू रखा है। तो अगर रेंटल की भी कोई अच्छी ट्रिप आएगी ना तो वो भी मैं आज मिस नहीं करने वाला हूँ। 3:30 बज गए गाइस, और मैं ना भाई वाशी में घूम रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे घूम घूम के जो है ना अभी फाइनली वाशी आया हूँ। सीएनजी है 2 पॉइंट पे, गाड़ी चल गई है 148 किलोमीटर। सीएनजी फिल करवाता हूँ, फिर वाशी में आके रुकता हूँ वापस। ये है सीएनजी पंप पाम बीच रोड वाला। गाड़िया तो कुछ भी नहीं है, एक ही गाड़ी है। चलो फिल करवाता हूँ और फिर बताता हूँ। देखो ये रिजर्व में भी आ गया अभी, और पहुंच भी गया सीएनजी पंप पे। सीएनजी है ना फुल हो चुका है, और है ना मैं पाम बीच रोड पे हूँ वाशी। 3:50 हो चुके हैं। आज तो है ना भाई वन पे जाके ना मैं फंस गया, कभी नहीं हो रहा था टोकन। 1.5 घंटे के आसपास जो है ना मेरा वहीं पे टाइम पास हो गया। प्रायोरिटी वाली बुकिंग आई, वो खत्म की, वापस आया। उसके बाद जो है ना मैं गया वर्ली पे, ड्रॉप किया कस्टमर को फिनिक्स मॉल के यहाँ पे मैं जा रहा था। सो उससे पहले मुझे थाने की बुकिंग आ गई। सो कस्टमर को लेके मैं थाने आ गया। थाने जैसे ही ड्रॉप किया, वैसे ही मुझे जो है ना वाशी की ट्रिप मिल गई। तो मैं आ गया वाशी, 527 रुपये में जो है ना सीएनजी फुल हो चुका है। जैसे मैं वाशी पहुंचा ना, सो क्या देख रहा हूँ, ओला में बुकिंग बजी और उसमें ना प्राइस शो हो रहा है। डेस्टिनेशन तो हो ही रहा था, किलोमीटर शो हो रहा है, टाइमिंग शो हो रहा है, मुझे नहीं शो हो रहा था, बट अभी से जो है ना वो भी शो हो रहा है। अभी देखता हूँ दूसरी ट्रिप में आता है कि नहीं। तुरंत ही बुकिंग एक मैंने एक्सेप्ट कर ली है मुलुंड ईस्ट की। अभी है ना टाइम जो है ना बहुत कम लग रहा है, तो फटाफट जो है ना और 2-3 ट्रिप खत्म करता हूँ, फिर रात को 10-11 बजे तक और खींचेंगे। सुबह 6:15 आए, और है ना 434 रुपये दिया है। उबर से आया हूँ मैं, बट जैसे मैं पहुंचा ना बुलुंड से जो है ना मुझे तुरंत ही जो है ना चन्नी रोड की ट्रिप मिल गई। तो जहाँ पे रुका था ना वहीं से ना विले पार्ले की एक ट्रिप मिल गई है। सामने की तरफ है गिरगांव चौपाटी। सो यू टर्न लेके इनको पिकअप करके जाता हूँ मैं। ये ना भाई हमेशा का है, इसको तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता ट्रैफिक को। भाई 1/2 घंटे से ज्यादा हो गया ट्रैफिक में फंसा हूँ मैं। 8:35 हो चुका, कस्टमर को विले पार्ले ड्रॉप किया स्टेशन पे, और 20 मिनट लगा मुझे टर्मिनल 2 आने के लिए। और जैसे ही आया ना तुरंत ही 2 बुकिंग बजी, 1 बजी कहाँ की थी पता नहीं, भूल गया मैं, और ये दूसरी बजी दादर की। तो मैंने ना उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उबर में तो अभी जो है ना नंबर ही नहीं आया। उबर में अभी टोकन कितना चल रहा है पता नहीं, 110 है। और विले पार्ले से आया, विले पार्ले ड्रॉप किया, उसका 471 रुपीज मिला है 20 किलोमीटर का। अभी दादर इनको ड्रॉप करूंगा, फिर वहां से फिर से एक बार एयरपोर्ट आऊंगा, और फिर उसके बाद घर पे जाऊंगा। ऐसा करने वाला हूँ, देखते हैं वहां से कितने टाइम में रिटर्न ट्रिप मिलती है, और यहाँ से एयरपोर्ट से कितने टाइम में घर की ट्रिप मिलती है। 9:33 हो गया गाइस, और है ना 386 रुपीज दिया है। करेक्ट अमाउंट दिया है, जितना अमाउंट दिखाया था ना उतना ही दिया है ओला ने, 386 अमाउंट ही दिखाया था। ड्रॉप करके ना सीधा मैं आ गया हूँ इंडिया बुल्स के यहाँ पे। 11 बजने आए गाइस,
10:51 और फाइनल लास्ट ट्रिप की और जो कि है घनसोली की। प्रभा देवी से ललित होटल की बुकिंग मिली, वहां पे ड्रॉप करती है ओला। जैसे ऑन किया सबसे पहली बुकिंग बजी घनसोली, कस्टमर खड़े 23B के पास और पिकअप करके जाता हूँ। वहां से फिर MD चले जाऊंगा, नवी मुंबई की बॉर्डर तक पहुंच गए, फिर टेंशन नहीं है। करेक्ट 12:00 और है ना, मैं हूँ अभी घर की तरफ। 15 किलोमीटर है घनसोली से, टोल को काउंट करके 631 रुपीज मिला है आज पूरे दिन में। जो भी ओला के साथ बुकिंग की है ना, तो उसमें जो है ना रेट करेक्ट ही मिला है, क्योंकि मैंने रूट जो है ना बराबर से जो ऐप में दिखा रहा है वही फॉलो किया है। बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट हुआ लगता ही है, पूरा गाड़ी पलटी हो गया है। मैं देखो बीच में ही गाड़ी पलटी हो गई है पूरी, अब भी हुआ लगता ही है। भाई ये देखो पूरा टेम्पो ही जो है ना पलटी हो गया है। भाई चेक किया मैंने, पूछा ना भाई, बहुत ही ज्यादा ओवर स्पीड में था बंदा। क्यों चलाते हो भाई इतनी ओवर स्पीड में, खाली रोड है फिर भी क्यों चलानी है भाई? क्या मतलब इतनी क्या अर्जेंसी होती है कि अपने को ओवर स्पीड ही करनी पड़ती है? किसी की जान से जो है ना कोई भी ज्यादा वैल्यू की चीज नहीं होती है। सेफ ड्राइविंग करो, एकदम अच्छे से आराम से प्यार से गाड़ी चलाओ। 1 या 2 सेकंड के मिस्टेक में है ना पूरा जो है ना मामला खत्म हो जाता है गाइस, पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। हाथ पैर टूट गए ना भाई, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 12:30 बज चुके गाइस, पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। पैर की कमर की भाई सब वाट लग गई है आज तो, बहुत लंबा दिन हो गया। सुबह 7:00 पहली ट्रिप मैंने ली थी और अभी बज रहे 12:30। कैलकुलेट कर लेना कि भाई कितना टाइम हुआ है, बट टाइम के हिसाब से गाइस अर्निंग भी जो है ना मतलब ना धमाकेदार हो चुकी है आज। और टोटल जो है ना गाड़ी चली है कितनी चली है पता है क्या? 307 किलोमीटर 307 किलोमीटर कौन था समझ में नहीं आया। अभी है ना सुबह पता चलेगा कि भाई गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ यार। शिट, सो बात कर रहा था आपसे, उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो बंदा बाहर ही खड़ा था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा उसने रिवर्स लिया और पीछे से ना गाड़ी ठोक दी। मैं जैसे ही बाहर आया ना वो इतनी स्पीड में भागा है ना कि क्या बोलूँ। मतलब रेड कलर की गाड़ी थी, अभी यहाँ पे ही उसकी गाड़ी रहती है डेली। अभी कल उसको मैं देखूँगा कि वो बंदा कौन था। भागा ही मतलब रुका ही नहीं, मतलब वो आगे से आगे 4-5 बंदे खड़े थे उसको है ना उड़ा देता वो, इतनी स्पीड में जाके है ना उसने राइट टर्न मार के ना भागा वो। 307 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1043 527 का और एक 516 का, दो बार मैंने CNG फुल करवाया। 4,534 रुपये की अर्निंग हुई है, बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। 12:30 बज के गए कब के, अभी घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा। अभी पता नहीं ये व्लॉग मैं कभी एडिट कर पाऊंगा क्योंकि कल सुबह वापस जल्दी निकलना है। सो देखते अभी जैसा भी आपको अपडेट दूंगा। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो गाइस अच्छी अच्छी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।